दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार और भारतीय जमीन पर 24 साल बाद क्लीन स्वीप झेलने के बाद अब टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर से बीसीसीआई पूछताछ करेगी। दरअसल बीसीसीआई ने गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद उनकी सभी मांगों को माना है। बोर्ड ने गंभीर की पसंद के हिसाब से कोचेस को टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया। अब खबर है कि बीसीसीआई गौतम गंभीर की सभी मांगे मानने के बावजूद रिजल्ट ना आने पर अपने फैसलों पर दोबारा विचार कर सकता है और गौतम गंभीर से आगे के लिए रोड मैप मांग सकता है।